नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, हिंदू पक्ष ने कार्बन डेंटिंग की मांग की है। तो आपको बता दें कि ज्ञान व्यापेज से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। 11 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी, कार्बन डेंटिंग पर फैसला आज है। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक सर्वे पर आज फैसले का दिन है, कथित शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, हिंदू पक्ष ने कार्बन डेंटिंग की मांग की है। 11 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, वैज्ञानिक सर्वे पर आज फैसले का दिन, कथित शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग। तो आपको बता दें ये पूरा मामला ज्ञान वापी से जुड़ा हुआ है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज फैसले का दिन है, वैज्ञानिक सर्वे पर आज फैसले का दिन है, कथित शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग की यहां पर मांग हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कार्बन डेंटिंग पर फैसला आज आएगा। तो काफी महत्वपूर्ण दिन आज का। देश का दिन नहीं, आदेश आने के लिए तिथि नियत की गई है। और वह भी जो हम लोग कार्बन डेटिंग द्वारा वैज्ञानिक तकनीकी से जांच की प्रार्थना पत्र दिए हैं, उस पर आदेश आना है। हम लोग जैसा बहस किए हैं, जैसा तथ्य और तर्क दिए हैं, विपक्षी की आपत्ति से हम लोग को लग रहा है कि फैसला जांच के पक्ष में आना चाहिए और जांच होना न्यायोचित है, जिससे स्पष्ट हो सके कि फव्वारा नहीं है, शिवलिंग है और कितना प्राचीन शिवलिंग है। क्योंकि फव्वारा अगर होता तो 1.5-2 फीट पानी के अंदर नहीं होता, उसके पानी आने और जाने का कोई सिस्टम होता। और दौरान कमीशन 16/5/22 को कमिश्नर द्वारा भी पूछा गया और हम लोगों द्वारा भी प्रश्न किया गया, यदि फव्वारा है इनका सिस्टम कहाँ है, कहाँ से पानी आता है, जाता है। विपक्षी द्वारा कह दिया गया कि यह बिगड़ा पड़ा हुआ है, 20 वर्षों से बिगड़ा पड़ा हुआ। देखिए, मेरे पक्ष में तो आना ही चाहिए, क्योंकि फव्वारा और सीलिंग को साबित करने के लिए न कोई रेवेन्यू डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो पाएगा और न ही कोई व्यक्ति उसको साबित कर पाएगा। यह वैज्ञानिक तरीका से ही बताया जा सकता है कि फव्वारा नहीं हो सकता है, शिवलिंग है, इसलिए फैसला हम लोगों के पक्ष में आना चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने कार्बन डेंटिंग की मांग की थी और आज फैसला आना है, पूरे मामले को लेकर अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? देखिए प्रद्युम्न, आज जो सुनवाई हुई थी, 14 तारीख का डेट 11 तारीख की सुनवाई में हुआ था, उसमें दोनों पक्षों ने अपनी दलीलों को पूरी तरह से रखा है। और यहाँ तक कि जिला न्यायाधीश वाराणसी अजय कुमार विशेष द्वारा उन दोनों पक्षों को मौका दिया गया कि अपने पक्ष को पूर्णतया सेटिस्फाइड रखने में हो पाए और उसके बाद ताकि निर्णय लेने में न्यायालय के निर्णय पे किसी प्रकार की दोनों पक्षों द्वारा टिप्पणी न की जा सके। आज यही बात सुनवाई की, जो शिवलिंग की सुनवाई की बात है, तथाकथित शिवलिंग की, वहाँ हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है कि उनके पक्ष में आएगा, फिलहाल 62 लोग, दोनों पक्षों से 62 लोग को न्यायालय में परमिशन मिला है उपस्थित रहने का। दोनों पक्ष थोड़ी देर में न्यायालय में पहुंचेंगे, लगभग प्रतिमन 2 बजे ये आदेश फैसला आएगा कि क्या कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन बात बड़ी बात यह है कि उसके बाद श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई प्रकरण फिर प्रारंभ हो जाएगी। तो मामला, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कार्बन डेटिंग के मामले से फैसला आएगा, अगर फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज देखने को ये मिलेगी कि जिस फव्वारे और जिस तथाकथित शिवलिंग की बात लगातार हिंदू पक्ष कह रहा है, वहीं फव्वारे की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है, वो कार्बन डेटिंग के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो दावे दोनों पक्षों से मजबूत रखे गए हैं। रही बात आज जिला न्यायाधीश अजय कुमार विशेष द्वारा फैसले की, अब उस फैसले की घड़ी का इंतजार है। लगभग 2 बजे फैसला जिला अदालत देगा कि क्या कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी। उसके उसके तदुपरांत श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई आरंभ होगी। प्रद्युम्न बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लगभग 20 मिनट बाद ये सुनवाई शुरू हो जाएगी, फैसला आ जाएगा। लेकिन ऐसे में मौजूदा स्थिति में वाराणसी में भी क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम आते हैं? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से आज कोर्ट परिसर के अंदर की और कोर्ट परिसर के बाहर की भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की स्थिति, कोई सोशल साइड या किसी तरीके से भ्रामक स्थिति ना फैला सके। वहीं ज्ञानवापी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज जुम्मे की नमाज का भी दिन है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से पूरी तरह से मजबूती से प्रशासन अलर्ट मोड में है, ताकि किसी प्रकार की अशांति शहर में ना हो सके, जिसके लिए फूड पेट्रोलिंग और कचहरी जो जहाँ सुनवाई चल रही है उसकी
परिसर की पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पे फोर्स भारी मात्रा में तैनात है इस समय मौके पर स्थिति, और जब फैसला आएगा उसके बाद दोनों पक्ष जो है निकलेंगे तो ये क्लियर होगा कि किसके किसके पक्ष में फैसला आता है और क्या फैसला आता है। प्रद्युम्न बिल्कुल, चलिए ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की है, बड़ी जानकारी 11 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, तो ये बड़ी खबर, वैज्ञानिक सर्वे पर आज फैसले का दिन है, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है, लेकिन 2 बजे ये फैसला सबके सामने आ जाएगा, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर।